चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक सब्सक्राइबर है आदित्य राजपूत, इन्होंने कमेंट में पूछा है अगर बाइक की चेन टाइट नहीं होती है तो क्या करना पड़ेगा, उसे कटवाना है या क्या करना पड़ेगा या दूसरा चेंज करना पड़ेगा। दो हिसाब से उन्होंने पूछा है, अगर बाइक की चेन टाइट नहीं होती, टाइट का मतलब फिट नहीं होती, लूज ज्यादा है, टाइट नहीं होती तो चेन को कटवाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी लाना पड़ेगा क्या, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों दूसरी लाने की जरूरत नहीं, अभी जब आपने बाइक परचेज की होगी वो ओरिजिनल चेन होगी तो क्यों उसको रिप्लेस करना है या उसको काटना क्यों है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे नहीं करना है, एक खराब पर तो क्या होता रहेगा, बाइक की चेन फिट नहीं होती, टाइट नहीं होती, उसका कारण है। अगर आपको बाइक की चेन अगर फिट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ब्रेक का नट बोल है इसे पहले आपको लूज करना, मेरा सही है, मैं सिर्फ ओवरऑल आपको ऐसे बताना चाहता हूँ, मैं मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे घुमा के एंटी क्लॉकवाइज करके इसको ब्रेक का है इसको निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद आपको ये जो चीज है या पी इसको भी निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा तभी ये ढीला हो जाएगा। इसको निकालना है, इसको निकालना है, उसके बाद ये जो है 19 नंबर का यहाँ पे नट बोल्ट है इसको ढीला करना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद में इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, इसको ढीला करना पड़ेगा, यानी ढीला करना है, बाहर निकालने का नहीं, चेन को टाइट करना है, निकालना है। एक्चुअली मकसद क्या, हमें ये व्हील को पीछे खींचना है तभी टाइट होगी, तो पीछे कभी खींचेगी, फिर से आप सुनो, इसको पूरा निकालना है, ये भी नट बोल्ट को निकालना है और इनको पहले ढीला करना है। ये जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो 19 नंबर का जो नट बोल्ट होता है ये वाला, इसको भी ढीला करना है। ये ढीला करने के बाद ये बाजू इसे भी ढीला करना है, बाहर निकालने का नहीं है, व्हील को हम लोग को सिर्फ पीछे खींचना है ताकि चेन फिट हो जाए। ये करने के बाद जब तक आप ये दोनों चीज है, ये वाला नट बोल्ट और ये वाला नट बोल्ट, इनको ढीला नहीं करते तब तक ये पीछे नहीं आएगा, याद रखो। तो इसको आपको थोड़ा ढीला करना ही पड़ेगा, ढीला करने के बाद ये पीछे आएगा। आप क्या करते होगे, ये ढीला नहीं करते, ये वाला और ये वाला ढीला नहीं करते तो वो पीछे नहीं आएगा। ये किस लिए होता है, चाक ऐसा भाग, हम लोग बाइक चलाते समय अगर स्पीड में होगा तो चाक निकाल के गिरना नहीं चाहिए, इसके ये लॉक है, ये बाइक का पीछे नहीं आने का ये लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये लॉक होता है, यहाँ पे लॉक होता है। तो जब तक आप इसको लूज नहीं करोगे चाक पीछे नहीं आएगी, तो पीछे नहीं आते तो आपको लगता है कि टाइट नहीं हो रही चेन, अगर पीछे आएगी तो चेन आपकी लॉक टाइट होगी, एक इंच चेन लूज होनी चाहिए मेरी एडजस्ट का एक इंच, लेकिन आपकी ढीली हुई रहेगी, टाइट नहीं होती तो इसको तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसा मैंने प्रोसेस बताया वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये छोटी बात थी लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने ये बात बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ सब्सक्राइब भी करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।